हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम, अटेंडेंस शीट बनाने में एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। और इस प्रॉब्लम को रेज किया है हमारे ऐप यूजर ने, और उसी पे उन्होंने एक सवाल भी किया है, उनके साथ भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है ये रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले चलिए, हम आगे बढ़ने से पहले, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेता हूं, एक छोटा सा अटेंडेंस शीट क्रिएट करता हूं। तो मैं नेम डाल दिया और यहाँ पे हम मंथ की स्टार्टिंग डेट डाल दी। बाकी डेट्स के लिए हमने स्टार्टिंग डेट में प्लस वन कर दिया। हमने क्या किया, स्टार्टिंग डेट में प्लस वन कर दिया और इसको हम आगे की तरफ ड्रैग कर देते हैं ताकि पूरे मंथ का डेटा आ जाए। तो 31 तक आया, यहाँ पे हमने इसको कर दिया सिंपल। अब मैंने इसको डबल क्लिक करता हूं ताकि ये ऑटो फिट हो जाए, और फॉर्मेटिंग करना है तो आप यहां से फॉर्मेटिंग भी आराम से कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब यहां में मैं जो डेट चेंज करूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें नवंबर के डेट डाले, तो नवंबर के डेट डालते हैं सारा डेट नवंबर को आ जाता है, लेकिन फिर यहाँ पे 1 दिसंबर भी आ जाता है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पे आपका 1 दिसंबर आ गया। अब इसी तरह से मैं स्टार्ट डेट में, अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छा से दिखे, तो मैंने एक काम यहाँ पे किया, एक पेज पे प्रिंट हो इसलिए हमने 2 सेल को मर्ज किया और हमने पहले वाले डेट को सेलेक्ट किया। इसके ऊपर हमने कस्टम फॉर्मेट में गए और यहाँ पे MMM एंड स्लैश YYY 4 times Y करके ओके कर दिया। और उसके बाद इस पूरे डेट को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इसमें हम जस्ट 2 बार DD कर देते हैं ताकि डेट में आ जाए। फिर पूरे सीट को सिलेक्ट किया और किसी सीट के कॉलम के बॉर्डर पे जस्ट डबल क्लिक कर दिया तो ये ऑटो फिट हो जाता है। अब यहां पे प्रॉब्लम आ रही है कि अगर मैं यहां पे डेट, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे फरवरी के डेट डाल देता हूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1, 2, 3 आ गया। तो मुझे इससे निजात पाना है कि 1, 2, 3 जो आ रहा है ये ना आए, ये 28 तक ही शो हो, या 29 तक शो हो, या 30 तक शो हो, या 31 तक शो हो, जितना नंबर ऑफ डेज है उतना ही शो हो। इसके लिए हम अब इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। तो कुछ लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर आपकी स्क्रीन छोटी होती है, मोबाइल पर दिखता नहीं है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाया इफ का, कि इफ हमने कोई एक डेट ले लिया, इसमें हम देते हैं कि इफ अगर ए ग्रेटर देन ईओ मंथ, और ईओ मंथ में कोई भी एक डेट ले ली, और यहाँ पे डी नहीं, माफ कीजिएगा, ईओ मंथ है तो यहाँ पे 0 होगा, देन ब्लैंक, अदरवाइज जो प्लस कर रहे थे वो प्लस होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाया जो था, फॉर्मूला से इफ कंडीशन जोड़ दी कि इफ एसी 4+1 इक्वल टू ईओ मंथ, देन P4, 0 हो, फिर यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक दिखे, मतलब कि अगर ईओ मंथ से ज्यादा की डेट आ रही है, मतलब कि 28 तारीख के बाद एक मार्च आ रहा है, इसका मतलब है कि वो 28 तारीख से बड़ा है, तो वहां पे वो ब्लैंक दिख जाए, नहीं तो जो कंटिन्यू कर रहा था वो कंटिन्यू करे। हमने स्पेस मार। अब यहाँ पे आगे देखिए एरर आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ब्लैंक पे प्लस वन नहीं होता है, इसलिए हम इफ एरर भी इसके साथ लगाएंगे और बोलेंगे कि इसको ब्लैंक कर दो, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। एक बार फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देख लें, हमने इफ एरर के अंदर में इफ फॉर्मूला लगा है और इफ फॉर्मूले को बोला है कि अगर जिसको हम प्लस करके वन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर वो ग्रेटर देन इस महीने की लास्ट डेट, P4 में लास्ट ईओ मंथ कोई भी डेट डाल दीजिए, 15 तारीख डाल दिया, 16 डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए, उस महीने की लास्ट डेट शो करता है, अगर लास्ट डे से बड़ा है तो ब्लैंक दिखे, अदरवाइज
जो दिख रहा है, जो सीक्वेंस चल रही है, उस सीक्वेंस को कंटिन्यू करें। और इफ एरर क्या कर रहा है कि अगर इफ फॉर्मूला अगर किसी तरह की एरर देती है तो ये ब्लैंक शो करे। एंटर प्रेस कीजिए, अब आगे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। अब इसमें देखिए क्या होगा, अब मैं थोड़ा छोटा करता हूं। अब मैं यहां पे डालता हूं 1 दिसंबर 31 आ गया। अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट डालता हूं तो नवंबर आ गया। अगर मैं यहाँ पे अगर फरवरी डालता हूं तो 28 आ जाएगा। ये प्रॉब्लम, ये सोल्यूशन, और आपने मेरे कई सारे वीडियोज में इस सोल्यूशन को देखा होगा। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से जो फॉर्मेटिंग भी उसी के अकॉर्डिंग हम मूव कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो एक यूट्यूबर है, यूट्यूब व्यूअर है हमारे पास, मोहंदर आमिर, मोहम्मद आमिर जी ने मुझसे सवाल पूछा कि उनकी जो ऑफिस में 20 से 19 का शेड्यूल है। जी हाँ, मोहम्मद आमिर जी के ऑफिस का 20 से 19 का शेड्यूल है, तो वो कैसे करे? क्योंकि अगर महीना 28 का हुआ तो 21-22 तारीख तक आ जाता है, 28 तक आ जाता है, 21-22 आ जाएगा या 21 आएगा या 20 आएगा, तो उनकी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे होगा? तो चलिए इसी पे उनकी प्रॉब्लम की सलूशन हम कर रहे हैं। तो 3 दिन का बफर होता है, तो 3 दिन का बफर लेके चलते हैं। तो यहां पे मैं डालता हूं 19 जनवरी। उन्नीस फरवरी देखिए 21 आ गया, जबकि आना चाहिए 18। तो यहां पे कैसे करें? ये फॉर्मूला जो पहले से लगाया हुआ मैं उसको डिलीट करूं, और इसमें बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगेगा अमीर जी, यहां बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगेगा। यहां पे लगेगा फॉर्मूला कि इफ डे, इसमें हम निकालेंगे डे, हमने क्या किया डे, और इसमें प्लस वन करने, प्लस अगर इसमें एसी प्लस वन, मतलब कि 18 तारीख प्लस वन तारीख का डे अगर ग्रेटर देन 18 होता है तो यहां पे ब्लैंक कर दो, नहीं तो इसमें प्लस वन का डेट को कंटिन्यू करो। और जैसे कि मैंने बताया कि एरर के चांसेस हो सकते हैं, तो इफ एरर यहां भी इस्तेमाल करना होगा, और यहां पे हमने ब्लैंक देख के एंटर प्रेस कर दिया। देन हम इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। अब यहां मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करता हूं। अब यहां पे मैं डालता हूं 19 जनवरी, देखिए 16, 17, 18 आ गया। अब यहां पे डालता हूं मैं नवंबर, 1 नवंबर, सॉरी 1 नवंबर नहीं, माफ कीजिएगा, 18 नवंबर डाल रहा हूँ, 19 नवंबर डाल रहा होगा ना, तो 19 नवंबर, फिर भी 18, एक कम गया, 18 आ गया। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से इसको हम लोग कर सकते हैं। अब आप लोगों को एडवांस एक्सेल की कंप्लीट गाइड चाहिए, आप पूरा रिकॉर्डेड या लाइव चाहते हैं, तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पास 2 तरह की क्लासेज हैं, इसके लिए आपको मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाना होगा। iptindia.com पे बेसिकली हमारी 2 क्लासेज है, लाइव क्लासेज, जी हाँ लाइव क्लासेज, जो कि हमारी जूम के साथ होती है, 1-to-1 जूम ऐप के साथ हम लोग लाइव 1-to-1 क्लासेज लेते हैं। 1 से 3 पर्सन एक तो बैच में होता है, स्मॉल साइज बैच होती है, और पूरी पर्सनल लेवल की क्लासेज में होती है। आप डेमो क्लास का फॉर्म फिल कर दीजिए, यहाँ आपको डेमो क्लास का फॉर्म मिलेगा, आप डेमो क्लास का फॉर्म फिल कर सकते हैं और डेमो ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, डेमो आपको मिल जाएगा, ये फॉर्म फिल कर दीजिए, हम आपको डेमो प्रोवाइड कर देंगे, 2-3 क्लास डेमो लीजिए, अच्छा लगा तो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाके एक्सेल एमआईएस की ट्रेनिंग सर्च करिए, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में देखिए, वहां आपको मिल जाएगा एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, या फिर आप एप्पल का भी डाउनलोड कर सकते हैं, आईओएस का भी है, इसका लिंक इस वीडियो के अंदर दिया हुआ है।
या आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं iptindia.com पे, जहां पे आपने लाइव क्लासेस के लिए क्लिक किया था, लाइव क्लासेस, उसी में आप वीडियो क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो मेरा वीडियो कोर्स जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए और आगे कंटिन्यू कीजिए। इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा तो आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे जो रिकॉर्डेड कोर्सेज है। तो फटाफट मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर डेमो क्लास को बुक कीजिए। और आपकी भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे चैट कर सकते हैं या फिर ऐप के थ्रू चैट कर लें तो आपको मैं तुरंत सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, या डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।